गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जवाहर यादव पुत्र राम अवधि यादव निवासी भदरहवा सुब्बा बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त की थाना खोराबार क्षेत्र में स्थित रानी डीहा स्थित कार्यालय अराजी संख्या 96 जंगल सिकरी स्थित आवास कार्यालय अराजी संख्या 69 मिलजुमला व अराजी संख्या 66 सेक्टर स्थित अराजी संख्या 159 मिलजुमला व अराजी संख्या 160 आवासीय भूमि खोराबार स्थित अराजी संख्या 1096 686 687 688 689 690 691 आवासीय भूमि सिकचौर करमैया स्थित अराजी संख्या 460 आवासीय भूमि खोराबार टोला मदहरावा स्थित अराजी संख्या 538 541 542 आवासीय भूमि होंडा सिटी यूपी 32 HQ 8989 को तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कैंच योगेंद्र सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक खोराबार की मौजूदगी में जब्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिसकी कुल अनुमानित बाजार कीमत लगभग 126.40 करोड़ रुपए है। अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त के विरुद्ध शेष अन्य चल अचल संपत्ति के चिन्हांकन व जब्तीकरण की कार्रवाई अभी भी जारी है, जो लगभग 350 करोड़ रुपए से अधिक की और संपत्ति है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बताया कि जवाहर यादव जो अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बनाई थी, अब तक 126 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। लगभग 350 करोड़ की और संपत्ति का चिन्हीकरण किया जा चुका है, जिलाधिकारी की स्वीकृति मिल चुकी है, उसे भी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, उसकी आवासीय भूमि है और आराजी संख्या 159 उसको भी सीज किया गया है। खोराबार में उसकी करीबन 7 अलग अलग अराजियों के अंदर उसकी संपत्ति है, उसको भी सीज किया है। और मदरवा जहाँ पे वो रहता है वहाँ की भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई है। अभी तक उसकी एक होंडा सिटी कार है वो सीज की गई है। उसकी रूप से जो मकान में रह रहा है अपने परिवार के साथ, तो उसमें से जो जवाहर यादव का जो भाग है उस भाग का सीजर होना बाकी है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना खोराबार द्वारा जितनी भी जवाहर यादव जो एक माफिया है उसके खिलाफ उसकी जितनी भी गैंगस्टर में प्रॉपर्टी सीज की गई है उसका ब्यौरा देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसमें अभी तक कुल 126.4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की जा चुकी है और उसका घर जो है वो भी आज सीज होना था लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से हो नहीं पाया है, लेकिन कुल 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति और भी मिली है, उसको भी सीजर के लिए अमल में लाया जाएगा। अभी तक रानीडिया स्थित उसका कार्यालय जंगल सीकरी में उसका आवास प्लॉट सेक्टर में भी उनके जितने भी प्लॉट हैं और खोराबार में खोराबार टोला में उसकी कुछ गाड़ियां जो कि अभी तक सीज की गई है, तो यह अवगत कराना है कि पिछले 4 दिन से जो भी गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही थी वो लगातार कल परसों में भी जारी रहेंगी और जो बाकी एडिशनल सीजर के लिए भी जो प्रॉपर्टीज़ हमें चिन्हित की है वो भी अमल में लाई जाएगी आने वाले दिनों में। थैंक यू।